नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं मॉडिफाइड टूलबार के आगे के कमांड। पिछले लेक्चर में मैंने लिया था इरेज, कॉपी, मिरर और ऑफसेट। इसके बाद हम आगे के कमांड कंटिन्यू करेंगे। ये है अभी रेक्टेंगुलर एरे। ओके, इसके लिए फर्स्ट बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, एक स्क्वायर निकालता हूँ। इसकी 2 बाय 2 का एक स्क्वायर निकाला मैंने। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, इसकी कितने कॉलम होने चाहिए, कितने रो होनी चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे। पहले लेंगे एक रेक्टेंगुलर एरे, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मेरा खुद का चाहिए वो। इधर देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हमें क्या चाहिए, इसको कॉलम हमारे हमें जितने चाहिए वो चाहिए, कॉलम का डिस्टेंस चाहिए, रो कितने चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद रो का हाइट क्या होगा ये हम डिसाइड करेंगे। पहले हम डालेंगे, इधर देखो ये ब्लू में जितना है उतना हम टाइप करेंगे, COL। ओके, कॉलम के लिए, फिर एंटर कर लिया हम। इधर बता रहा है अभी एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमें कॉलम्स कितने चाहिए, हमें चाहिए 5। ओके, ये 5 हो गए। अभी क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक द डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स, हमें इन कॉलम्स का डिस्टेंस हमें बताना है कितना है, कितना होना चाहिए हमें मालूम होना चाहिए, हमें चाहिए कि 1-4 होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रो चाहिए, रो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 है, तो अभी हमें 4 चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, R टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, फिर उसके बाद रो हमें चाहिए 4, फिर उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसका डिस्टेंस होना चाहिए 5, एंटर कर लिया। ये देखिए यहाँ पे, और एक बार एंटर, और एक बार एंटर करना। तो ये देखिए मेरे कॉलम से जो है 5, ये रो है, ये जो है वो है 4, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर एरे। अभी ये क्या है, ये पूरा कंटिन्यूस है, उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है एक्सप्लोड, इस पर क्लिक कर लीजिए। ये देखिए अभी पूरे सेपरेट सेपरेट हो गए। ओके, फिर अगला है, इधर है पाथ एरे, इसके लिए जो ज़रूरी है वो हम अभी ड्रॉ करेंगे। ये देखिए पहला ड्रॉ करता हूँ मैं स्प्लाइन। ओके, फिर उसके बाद जो हमें उस वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, भी ये सर्कल मुझे इस पाथ पे आना चाहिए। ओके, नंबर ऑफ सर्कल्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर है पाथ एरे, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद राइट क्लिक, फिर अभी सिलेक्ट पाथ कर्व, ये है, ये हमारा पाथ है। ओके, तो अभी इसमें जो इसने जो लिया वो बाय डिफॉल्ट ले लिया, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा खुद का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उधर आइटम का आई टाइप करूँगा, फिर एंटर। अभी कितने आइटम्स, उनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए हम डिसाइड करेंगे। इधर लिखा है स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन आइटम्स अलॉन्ग पाथ, तो हमें कितना होना चाहिए उनका दोनों में का डिस्टेंस, ये हम पाथ डिसाइड करेंगे। और उसने बाय डिफॉल्ट डिसाइड कर लिया कि 20 मैक्सिमम आइटम 20 ही आएंगे, उससे कम आना है तो हम इधर डाल देंगे। मान लीजिए कि मुझे 10 चाहिए, तो आधे में वो आएंगे आइटम, फिर उसके बाद वो पाथ ऐसा ही खुला रहेगा, उसमें नहीं आएंगे। ओके, तो ये होगा हमारा पाथ एरे। उसके बाद जो है वो है सर्कुलर एरे, अरे पोलर एरे। तो मैं क्या करूँगा, एक सर्कल निकालूँगा, मान लीजिए कि 30 का है, थोड़ा सा कर लूँगा, फिर एक सर्कल उसके बीच में निकालूँगा, ये जो है ये है मेरा 10 का। ओके, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, ये क्वाड्रेंट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, और ये क्वाड्रेंट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। तो
राइट क्लिक करके एंटर कर लिया मैंने। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे पोलर एरे पर, सिलेक्ट कर लिया पोलर एरे, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, फिर राइट क्लिक करके ये सेंटर, इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये जो आ गए वो 6 आ गए, पर मुझे जो हमें खुद के चाहिए तो क्या करेंगे हम, फिर एटम आई टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, फिर मुझे चाहिए 4 ही चाहिए, तो एंटर कर लिया एंटर। ओके, ये हो गया पोलर एरे। अब आगे की कमांड लेता हूँ मैं, मूव। मूव क्या है कि हमें मान लीजिए कि ये सर्कल यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मूव कर लिया यहाँ से, मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर लिया, ये हो गया मूव। उसके बाद है रोटेट, तो मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल निकाल लिया मैंने। फिर उसके बाद कमांड ले लिया मैंने रोटेट, फिर क्लिक करके राइट क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ पे एंगल डाल दिया, एंगल कितना है 30 का, 30 डाल दिया एंगल, तो ये देखिए ये टिल्ट हो गया, ये रोटेट हो गया। फिर अभी क्या है, ये स्केल है, स्केल के लिए मैं क्या करूँगा, एक फिर से एक रेक्टेंगल लूँगा। अभी ये मुझे स्केल करना है, स्केल मतलब क्या, सब तरफ से ये बढ़ेगा। ओके, सिलेक्ट कर लिया मैंने स्केल, फिर इधर मिड पॉइंट कर दिया, नहीं तो एक कॉर्नर पॉइंट कर देता हूँ, फिर एक करता हूँ ये रेशो डबल, ये डबल हो गया। ओके, फिर क्या करूँगा मैं, अभी नेक्स्ट कमांड है स्ट्रेच। स्ट्रेच कमांड के लिए मैं एक लाइन से मैं एक रेक्टेंगल निकालूँगा, अभी ये मुझे स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच क्या है, अभी ये देखिए ये 20 की लाइन है और ये 30 की लाइन है, ये क्या है रेक्टेंगल, पर मुझे अभी स्क्वेयर करना है। स्क्वेयर करने के लिए ये जो है ये लाइन यहाँ से 10 से आगे होनी चाहिए, फिर वो स्क्वेयर होगा। इसके लिए मैंने ले लिया स्ट्रेच, सेलेक्ट कर लिया तीनों लाइन राइट क्लिक करके, यहाँ से ये लेता हूँ मैं 10, ये हो गया मेरा स्क्वेयर। ओके, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मेरे अगले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके, थैंक यू।